दोस्तों वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़र विद पॉल। आज आपका भाई फिर से एक नए वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत है। आज हमें देख सकते हैं मेरे पीछे जादूगर ओपी शर्मा के शो में, जो कि इंडिया के नहीं वर्ल्ड में बहुत फेमस जादूगर हैं। जब हम बचपन में छोटे हुआ करते तब इसका शो दिया करते, आज हम बड़े होकर आज फिर देखने हैं अपने बेटे को दिखाने के लिए। शो की जो पूरी जानकारी दी जाए, टिकट का प्राइस कितने का है, टाइमिंग क्या है, पार्किंग क्या है, सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। पूरी वीडियो देखते रहिए, मज़ा आने वाला है। दोस्तों हमारे जो करंट लोकेशन है, ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम गाजियाबाद में है। इसकी एड्रेस भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी पार्किंग की एम्पल व्यवस्था है, पार्किंग के लिए बिल्कुल बेसमेंट में भी पार्किंग है, ऊपर ही पार्किंग है, पार्किंग को टेंशन नहीं है। टू व्हीलर की पार्किंग के 20 रुपये हैं और फोर व्हीलर के 50 रुपीज़ है। टिकट की अगर प्राइस की बात करें तो देखिए, 3 तरह टिकट है, 500 का रॉयल, 300 का गोल्ड और सिल्वर, 150। तो हम लोगों ने 500 टिकट ली और ऑनलाइन बुक किया। बाकी आप इनकी वेबसाइट जो है magician opsharma.com के थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं टिकट अपना। बाकी ऑफलाइन टिकट लेना तो यहाँ से काउंटर से भी आप ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो टिकट ऑनलाइन बुक की थी बुक माई शो के थ्रू, रॉयल टिकट है 500 वाली, बाकी हमको काउंटर से हट कर लेना पड़ेगा। चल के आपको दिखाते हैं। हाँ, क्या देखने आई हो आज तुम लोग? आज एक्साइटेड हो तुम लोग, बहुत ज़्यादा लग रहा है। चलो सही है, चलो अंदर चलते हैं। काउंटर से जाकर अपना ऑनलाइन टिकट लेते हैं, चलते हैं फटाफट। तो दोस्तों यहाँ से अपने जो टिकट ऑनलाइन बुक किया है, यहाँ से आपको हार्ड कॉपी कलेक्ट करनी पड़ेगी। खाने पीने की कोई टेंशन नहीं है, पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न आपको यहाँ कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था मिल जाएगी आप लोगों को। कितना, 50 रुपये लिए गए? चलो ठीक है। जो रॉयल सीट रहेगी ये F22, F23, F24, 3 सीट है टोटल। दोस्तों जो ऊपर देख रहे हो वो शायद 150 वाली टिकट होगी, बीच वाली शायद 300 की होती होगी, रॉयल वाली 500 की है। अपना स्टेज सामने ये देखिए, तो ओपी शर्मा जी के हैं, कुल 3 शो हैं, दोपहर में 1 बजे, 1:30 बजे और 6:30 बजे वाला शो हम लोग देखने आए हैं। टिकट तुमने दिखाई गया कितने कितने की है। चलिए शो को एंजॉय करते हैं और आपको मिलते हैं शो के बीच में डायरेक्ट। दोस्तों 6:40 पर अपना शो चालू हुआ है, लेट हुआ है लेकिन हो गया है। अभी ओपी शर्मा जी आए नहीं, आएंगे जल्दी। जादूगर शर्मा जी आ रहे हैं, आ रहे हैं। दोस्तों ओपी शर्मा जी का जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि एकमात्र से इंडिया के आपको प्रसिद्ध जादूगर हैं।
मजा आ रहा है आपको? हाँ। बहुत ज्यादा मजा आ जी। ये है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। जो एक्चुअल स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो है यूएसए न्यूयॉर्क सिटी में, उसी का प्रतिरूप आपके सामने इस मंच पर खड़ा है। जो एक्चुअल इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से आधा स्टैचू दिखाई दे रहा है और नीचे का आधा स्टैचू इस पर्दे से ढका हुआ है। आइए इस स्टैचू को हम और ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं और अब इस पोजीशन में आप सभी को ऊपर से स्टैचू का मसाल दिखाई दे रहा है। जो दर्शक पीछे हैं उनको ऊपर से इसका सर भी दिखाई दे रहा है। तो लीजिए इस स्टैचू को अब हम पूरी तरह से ढकने के लिए पर्दे को और ऊपर उठाते हैं। ये क्या, पर्दे की हाइट कुछ कम है और स्टैचू की हाइट ज्यादा है। जब पर्दा ऊपर है हमें नीचे से स्टैचू दिखाई दे रहा है और जब पर्दा नीचे है तो ऊपर से स्टैचू दिखाई दे रहा है। मतलब साफ है कि इस पर्दे से स्टैचू को पूरी तरह से ढका नहीं जा सकता। जनरली मेडिशियंस यही करते हैं कि किसी भी चीज को गायब करने के लिए पहले उसे एक पर्दे से ढकते हैं, फिर वो पर्दा उठाते हैं, वो चीज गायब हो जाती है। लेकिन आज हमारे पास तो ये मौका भी नहीं है क्योंकि हमारे पास जो पर्दा है वो इस स्टैचू से छोटा है, इसलिए हमें इसे आपकी नजरों के सामने ही गायब करना होगा। तो प्लीज पर्दे को वापस नीचे लाया जाए। आप लोग जो स्टैचू देख रहे हैं इसे बनाने के लिए पहले हमने स्टील का जाल बनाया, फिर सीमेंट कॉन्क्रीट से पूरा ठोस और मजबूत किया गया, फिर बाहरी फिनिशिंग यानी खूबसूरती देने के लिए इसमें फाइबर का इस्तेमाल हुआ, फिर जो स्टेज स्लो मोशन तेरा नाम पता रोनी, मेरा नाम है। वाह वेरी गुड।
अच्छा रोनी, सबको बोल। क्या? घर से यार, घर से सब आए, लेकिन तेरा घर कहाँ? मेरा घर? क्या तेरा घर? वो जो स्टेशन? स्टेशन? हाँ, उसके सामने। अच्छा अच्छा, स्टेशन के सामने। बढ़िया, बड़ा मजा आ रहा है, देख रही हो? हैं, देखते रहोगी पूरी लास्ट तक? पेप्सी पी रही हो, देख रही है मैजिक शो, देख रही है इसको, बहुत मजा आ रहा है दोस्तों देखने मैजिक शो। समय के अध्यात्म की गहराइयों, प्राचीन समय का ये अध्यात्म आज के इस आधुनिक काल के जादू से किस तरह जुड़ा है। अभी इंटरवल हुआ है दोस्तों, 15-20 मिनट का इंटरवल होगा। कैसा लग रहा है? साफ सुथरा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने में ना, मतलब इंटरटेनमेंट है, काफी बढ़िया लग रहा है। इसको तो सबसे ज्यादा मजा आ रहा है देखने में, भाई मंकी वाला बहुत मजा आ गया देख के भाई साहब। देखते कंटिन्यू करते आगे, देखते कैसे के जाओ दिखाते, आपको भी पूरा कोशिश किया, पूरी दिखाई जाएगी, पूरी वीडियो में ऐसे देखते रहिएगा। दोस्तों हम ये देख रहे हैं, इसका नाम है द स्वॉर्ड ऑफ अलेक्जेंडर। तलवार में ओह माय गॉड, ये क्या हुआ भाई साहब, पार पार हो गया है तो। Thank you.
दोस्तों ये जो नाम है इसका जादूगर द माइंड ऑफ मैजिक है। पब्लिक से गया कुछ चेक करने के लिए असली इधर आ जाइए प्लीज। अभी बोलेंगे 1, 2 और 3। जैसे 3 बोलेंगे आप लोग अपनी तालियों से हमारी ताल के साथ ताल मिलाइए और देखिए आगे होने वाले चमत्कार को। 1, 2, 3। दोस्तों अब हम देख रहे हैं शैडो टू लाइफ इल्यूजन। Now you see shadow. Shadow is coming, coming, shadow, coming. And now shadow can work to love. Now you see. Start. दूसरी इच्छा इसी हिंदुस्तान की पवित्र धरती से स्वर्ग जाओ। तो राजकुमारी अपने मृत शरीर को इसी धरती पर त्याग दो और जाओ वापस स्वर्ग। राजकुमारी असली रूप में राजकुमारी आओ आओ आओ। राजकुमारी
जाओ जाओ इस हिंदुस्तान की सैर करो राजकुमारी। तो फाइनली जो है शो खत्म हो गया। हम लोग तो बहुत मजा किया, सबसे ज्यादा मजा तो इसने किया भाई साहब, इसको बलून मिल गया, मजा आ गया भाई। दोस्तों देख के किसी और शहर में जाए ये तो बिल्कुल देखेगा, कलाकार और कला को जरूर आपको प्रोत्साहित करना चाहिए। चलिए मिलते हैं आपको जल्दी बाहर चल के। देखिए दोस्तों मैजिक ट्रिक बुक ले ली उन्होंने 300 रुपए की। हाँ चलो ठीक है चलते हैं ना नीचे की तरफ। हाँ इसमें मैजिक दिखाना है हमको चल के ना गुड़िया। चलो दोस्तों हमारी जो ये वीडियो थी छोटी सी बढ़िया, अपन 20-25 मिनट वीडियो तो होगी, कैसी लगी बताइएगा जरूर। हमको तो बहुत एंटरटेनमेंट हुआ, बहुत मजा किया, आप लोग भी वो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सफर विद मॉम। थैंक यू।